बॉडी के फोर पार्ट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और मुझे लगता है कि ये किसी को नहीं छूना चाहिए। मुझे नहीं, मोस्टली सभी लड़कियों को लगता होगा कि वो किसी के वो पार्ट कोई छुए ना। जैसे पहले होता है जस्ट मेरे चेस्ट पे टच नहीं करते। यदि कोई टच करता है तो ये बैड टच है। और कई बार होता है ऐसे कि पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे पीठ मेरी शाबाशी देते हैं किसी चीज़ के लिए, गॉड ब्लेस यू बेटा ऐसे करके, तो ये ठीक है शाबाशी हो गई पेरेंट्स देते हैं तो वो तो ठीक है, गुड टच है। और यदि कोई बहुत देर तक ऐसे सहलाता है अच्छे बहुत ज़्यादा देर तो ये बैड टच है। और यहाँ मुँह यहाँ फेस पे है, ये ऐसा पार्ट है बॉडी का कि इस पे हम लोग इसको कवर करके नहीं रख सकते। बहुत चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कवर करके रखते हैं हमेशा, पर फेस को कवर नहीं किया जा सकता है। बट इसको भी कोई गलत तरीके से टच करेगा तो वो बैड टच होता है। जैसे हमारे लिप्स, कोई ऐसे अगर मेरी कोई फ्रेंड ऐसे करके खिलाती है तो ये तो गुड टच हो गया, हेलो ऐसे मम्मी ने बोला, कोई किसी कोई बोल रहा है तो हेलो हो गया, ये गुड टच। या मेरी कोई फ्रेंड बोलती है तो गुड टच हुआ। अब ये यही कोई ऐसे करके कोई खिलाता है या कुछ करता है तो फिर ये बैड टच है ना ऐसे। और लेग्स के बीच में बिटवीन लेग्स यहाँ पे भी कोई टच करता है तो ये भी बैड टच है। मजा आ गया।